हेलो एवरीवन, पूनम्स किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम तवे पे मुंबई की फेमस स्ट्रीट स्टाइल आलू मसाला सैंडविच बनाएंगे। तो बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी आलू मसाला सैंडविच बनाना शुरू करते हैं। आलू का मसाला बनाएंगे। कढ़ाई में एक टेबलस्पून तेल डालेंगे, आधी टीस्पून राई डालेंगे। राई थोड़ी क्रैकल हो जाए इसके बाद आधी टीस्पून जीरा, दो पिंच हींग, दो कम तीखी वाली हरी मिर्च को बारीक काट के लीजिए। एक इंच अदरक का टुकड़ा बारीक काट के लिया है, ये डाल देंगे। धीमी आंच पे 30 सेकंड के लिए भुनेंगे। आधी टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे। तेल में हल्दी पाउडर डालने से इसका कलर अच्छा आएगा। 5 मीडियम साइज के आलू को उबाल के लिया है और ठंडा होने के बाद इसका छिलका निकाल दिया है। इसे हाथ से क्रश करके डालेंगे। स्पैचुला से दबाते जाएंगे और मिक्स करेंगे। 3/4 टीस्पून नमक डालेंगे, या नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। मेसर से थोड़ा सा मैश कर लेंगे। आधे टीस्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे। 1/4 कप बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। अच्छे से मिक्स कर देंगे। आधा नींबू का रस डालेंगे। अच्छे से मिक्स कर देंगे। गैस ऑफ करेंगे। आलू का मसाला रेडी है। ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए तब तक इसे ठंडा कर लेंगे। सैंडविच में लगाने के लिए ग्रीन चटनी बनाएंगे। 4 से 5 लहसुन की कली मिक्सर जार में डालेंगे। लहसुन डालना ऑप्शनल है, नहीं खाते हैं तो स्किप कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून रोस्टेड चना दाल, 4 तिक्की वाली हरी मिर्च डालेंगे और आधा इंच अदरक का टुकड़ा चॉप करके लिया है। आधी टीस्पून नमक, या नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। आधी टीस्पून चाट मसाला, आधी टीस्पून काला नमक, आधी टीस्पून चीनी। चीनी डालने से चटनी का टेस्ट बैलेंस हो जाएगा। आधी टीस्पून जीरा, 1 कप हरा धनिया लिया है, साथ में मैंने डंडिया भी बारीक काट के ले ली है, ये अंदर डाल देंगे। 1/2 कप पुदीने के पत्ते लिए हैं, ये भी अंदर डाल देंगे। 1 नींबू का रस डालेंगे। 1 आइस क्यूब डाल देंगे। 1 टेबलस्पून फ्रिज का ठंडा पानी डालेंगे और इसे ग्राइंड करेंगे। आइस क्यूब और फ्रिज का ठंडा पानी डालने से चटनी का कलर एकदम हरा रहेगा। चटनी को ग्राइंड करके रेडी कर दिया है और इतनी गाढ़ी चटनी बनानी है, बहुत ज्यादा पतली चटनी नहीं बनानी है। इसे बाउल में निकाल लेंगे। 2 ब्रेड की स्लाइस ली है, इसके ऊपर बटर लगाएंगे। आपको ब्राउन ब्रेड लेना है तो वो भी ले सकते हैं। इसके ऊपर हम थोड़ा थोड़ा बटर लगाएंगे क्योंकि सैंडविच को हम ग्रिल करेंगे पैन में, तो ऊपर भी बटर लगाना पड़ेगा, तो अंदर हम थोड़ा थोड़ा ही लगाएंगे। हरी चटनी बनाई है, ये ऊपर लगाएंगे, दूसरी स्लाइस पे भी लगा देंगे। ककड़ी की एकदम पतली स्लाइस की है, ये ऊपर रखेंगे। सैंडविच का मसाला ऊपर थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे। आपके पास ये नहीं है तो आप चाट मसाला डाल सकते हैं। आलू का मसाला को हाथ में थोड़ा ले लेंगे, तरह से चपटा कर लेंगे और ऊपर रखेंगे। टमाटर की एकदम पतली स्लाइस की है, ये ऊपर रखेंगे। ऊपर सैंडविच मसाला डालेंगे। प्याज की एकदम पतली स्लाइस की है, ये ऊपर रखेंगे। ऊपर भी सैंडविच मसाला डालेंगे। शिमला मिर्च की पतली और लंबी स्लाइस की है, ये ऊपर रखेंगे। ये ऑप्शनल है, आपको नहीं डालना है तो स्किप कर सकते हैं। चटनी लगाई हुई ब्रेड की स्लाइस ऊपर इस तरह से रख देंगे और हल्के हाथ से दबाएंगे। ऊपर थोड़ा बटर लगाएंगे। ग्रिल पैन गर्म करने के लिए रख दी है और ये थोड़ी सी गर्म हो गई है। बटर हमने लगाया है, ये हिस्सा हम नीचे की तरफ रखेंगे, इस तरह से धीरे से ऊपर रख देंगे। ऊपर बटर लगाएंगे और धीमी आंच पे इसे ग्रिल करेंगे। आपके पास अगर ग्रिल पैन नहीं है तो आप फ्राई पैन में भी इस तरह से ग्रिल कर सकते हैं। एकदम धीमी आंच पे ही इसे ग्रिल करना है तो ये एकदम क्रिस्पी बनेगी। और एकदम हल्का हल्का इस तरह से इसे दबाएंगे। इसे धीमी आंच पे 5 मिनट के लिए ग्रिल किया है। पलट लेंगे, एकदम धीरे से पलटना है। अब देख सकते हैं लाइट ब्राउन कलर आ गया है। हल्का हल्का इस तरह से इसे प्रेस करेंगे और दूसरी साइड पे भी इस तरह का लाइट ब्राउन कलर आए तब तक इसे ग्रिल करेंगे। दूसरी साइड पे 3 मिनट के लिए ग्रिल की है, देख लेंगे गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। नीचे की साइड पे थोड़ा सा और इसे ग्रिल करेंगे। ये हो गई है तो इसे हम निकाल लेंगे।
बहुत ही अच्छी क्रिस्पी बन गई है। सैंडविच को चॉपर पे ले लिया है, इसे धीरे से कट करेंगे। अंदर हमने वेजिटेबल्स डाला है तो एकदम धीरे से कट करना है। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी सैंडविच बन गई है। इसके ऊपर थोड़ी बारीक सेव डालेंगे, ऊपर थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी आलू मसाला सैंडविच बनके रेडी हो गई है। आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें। रेसिपी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे जरूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो मिलते हैं अगले और एक नए वीडियो के साथ।